एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो अगेन होने वाला है एक मीशो हॉल पर। मैं पहली बार आपके साथ शेयर कर रही हूँ मीशो से नाइट वेयर हॉल। बहुत ही क्यूट क्यूट नाइट सूट मैंने वहाँ से पिक किया है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो, पहनने में कम्फर्टेबल हो एंड प्रिंट्स काफ़ी अच्छे हो। तो मैंने बहुत देखा था, कुछ नाइट सूट मैंने सेलेक्ट किए क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी नाइट सूट्स के लिए। एंड सारे जो नाइट सूट्स हैं सभी रीसेलिंग में है, सभी की रीसेलिंग प्राइस है मीशो प्राइस में यहाँ पे मेंशन करती जाऊँगी। अगर आपको लेना है तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करना है। इंस्टाग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिप दे दूंगी। जस्ट आपको वहाँ पे जाना है, मुझे फॉलो करना है, जो भी नाइट सूट आपको पसंद आ रहा है उसका मुझे मैसेज करना है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। लेकिन जल्दी करना बिकॉज एक एक ही नाइट सूट है एंड जल्दी से सोल्ड आउट हो जाते हैं इन अ 5 और 10 मिनट। बाद में अगर आप मैसेज करते हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं मिलने के, तो जल्दी करना जैसे ही वीडियो आए। मीशो में लिंक्स नहीं होते हैं, कोड्स होते हैं, सभी के कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए मेरे दिए हुए लिंक से, जिससे आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे फ्लैट 30% एंड 100 रुपीज़ का ऑफ देखने को मिलेगा। तो लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप मीशो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वैसे तो सभी नाइट सूट एक से बढ़ के एक है एंड प्रिंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, पर ये हार्ट वाला नाइट सूट मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। सभी में आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, साइज अपने अकॉर्डिंग देख लेना। वैसे मेरे स्मॉल एंड मीडियम साइज आ जाता है, मैं टॉप्स में मीडियम लेती हूँ, वैसे मेरे कुर्तीज़ में स्मॉल वगैरह आ जाते हैं। लेकिन इसमें मैंने नाइट सूट्स में सभी में एल पिक किया है और जिसमें नहीं मिला एल उसमें एक्सेल पिक किया है, बिकॉज नाइट सूट में चाहती हूँ कंफर्टेबल हो। तो अगर आप लेना चाहते हो तो एक बार साइज चार्ट जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड इस तरीके का आपको नाइट सूट मिल जाएगा, कलर ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ये स्काई ब्लू कलर भी था लेकिन मुझे पिंक वाला यार काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। ये पूरा हार्ट प्रिंट में नाइट सूट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको टॉप बताती हूँ, एक तो समर्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट है क्योंकि इसका फैब्रिक है कॉटन ब्लैंक। मैंने ट्राई किया कुछ ऐसे ही नाइट सूट हो जो कि समर्स में भी आप पहन सको, फुल होने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंडा रहे, कॉटन में हो तो उस अकॉर्डिंग। तो इस तरीके का आपको ये वाला टॉप देखने को मिल जाएगा। ये शर्ट स्टाइल टॉप है, यहाँ पर आपको है ना क्लोजर देखने को मिलेंगे, सामने बटन्स दिए हुए हैं फ्रंट में ही। एंड इस तरीके का नाइट सूट है, प्रिंट आप देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। इस तरीके की आपको स्लीव्स देखने को मिल जाएगी, फुल लुक आप साइड में देखते रहना। इलास्टिक वाला है आप देख सकते हो, जो पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। यहाँ पे आपको है ना इसमें पॉकेट्स भी दी हुई है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ रखती है कि आप मोबाइल वगैरह कुछ भी पैसे वैसे आराम से डाल सकते हो। एंड इस तरीके का आपको सेम प्रिंट में पजामा देखने को मिलेगा। एक तो पहनने के बाद काफ़ी क्यूट लग रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। उसमें जो मैंने साइज पिक किया है वो है एक सेकेंड एल साइज इसमें पिक किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के ले लेना। पर अगर मेरी माने तो आप एक साइज बड़ा ही लेना क्योंकि कॉटन फैब्रिक एक तो श्रिंक भी होता है, दूसरी चीज़ नाइट सूट कम्फर्टेबल ही अच्छे लगता है, टाइट फिटिंग में अच्छे नहीं लगते। तो आपकी जो साइज आता है उससे एक बड़ा साइज ही आप नाइट सूट में पिक करना। यहाँ पे रीसेलिंग प्राइस एंड मीशो प्राइस मेंशन करती जाऊंगी। तो ये है जो फर्स्ट एक क्यूट सा नाइट सूट मैंने पिक किया जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अब जो नेक्स्ट नाइट सूट मैंने लिया है वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। लुक एट दिस, इस तरीके की पैकेजिंग में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ना कैटलॉग दिया हुआ है पूरा एंड सभी में कलर ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। एंड मैंने ट्राई किया है जिनकी क्वालिटी अच्छी है वो ही नाइट सूट आपके साथ शेयर करूँ। और अभी हम कहीं बाहर भी नहीं जा रहे हैं तो पूरे दिन भर आपको नाइट सूट पहनना होता है, घर में हो या कहीं पर भी। तो उस अकॉर्डिंग मैंने सोचा एक हॉल ही लेके आती हूँ आपके लिए। एंड मीशो पर काफ़ी अच्छे अच्छे प्रिंट्स में नाइट सूट है विद अफोर्डेबल प्राइस में, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा लगा। पैटर्न मैंने अलग अलग चूज किए, कोई फुल में है, कोई कैप्री स्टाइल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अब इसमें आपको इस तरीके की टी शर्ट देखने को मिल जाएगी, लुक एट दिस। इसका जो कलर है स्काई ब्लू कलर है एंड बहुत ही प्यारा सा आपको ये वाला नाइट सूट देखने को मिलेगा। ये कैप्री है, इसमें आपको कैप्री देखने को मिलेगी बॉटम में, टॉप एंड कैप्री सेट है। फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, स्ट्रेची फैब्रिक है, पहनने के बाद बिल्कुल भी या फिर वॉश करने के बाद श्रिंक नहीं होगा। एंड बहुत ही अच्छी से आपको टी शर्ट देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। साइज इसमें सारे साइज अवेलेबल है, डबल एक्सल तक आप देख लेना। मैंने इसमें एक्सल साइज पिक किया है, मे
भी मुझे एल मिला नहीं होगा, लेकिन ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग। आप एक बार ट्राई ऑन में देख लेना। एंड इसमें आपको शॉर्ट कैपरी देखने को मिल जाएगी, लुक एट दिस, इलास्टिक वाली है। सभी में आपको पॉकेट्स देखने को मिल जाएगी, वो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। क्वालिटी भी अच्छी है, साथ में आपको इस तरीके की पॉकेट्स भी मिल रही है, तो आप कुछ भी इसमें आराम से कैरी कर सकते हैं। एंड लुक एट दिस, काफ़ी अच्छा है। जो नेक्स्ट मैंने लिया है ये भी बहुत ही क्यूट से प्रिंट में है। ये आपको इस तरीके जिप पॉलिथिन में देखने को मिलेगा, एंड फ्रॉम दी ब्रांड प्रॉमिस इस पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके का आपको ये वाला नाइट सूट देखने को मिल जाएगा। लुक एट दिस प्रिंट, एक तो इसका फैब्रिक है ना यार, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, जब आप हाथ में लोगे ना आपको पता चलेगा कि यार कितना प्यारा है ये वाला। एंड लुक एट दिस, कितनी प्यारी सी टी शर्ट है ना, ये आपको वाइट कलर में मिल जाएगी। एंड इसका फैब्रिक यार बहुत बहुत सॉफ्ट है, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन इतना सॉफ्ट फैब्रिक है कि पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल फील होगा। प्लस आपको इस तरीके का प्रिंट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर एक डॉल बनाई हुई है। आपको शॉर्ट स्लीव्स देखने को मिल जाएगी, इसमें जो मैंने साइज पिक किया है वो है मीडियम, इसमें भी आपको सारे साइज मिल जाएंगे। अब इसका पजामा और भी ज्यादा क्यूट है, लुक एट दिस, ये आपको पीच कलर में देखने को मिलेगा, एंड पूरा प्रिंटेड है। इस पे इस तरीके की डॉल्स बनाई हुई है, कुछ इस तरीके का प्रिंट किया गया है, फुल लेंथ में है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, सेम जो टी शर्ट वाला फैब्रिक है ना वो ही फैब्रिक है, बट इसमें आपको जो है पॉकेट्स नहीं मिलेगी, नॉर्मल मिलेगा, तो उस अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा क्यूट है यार। मतलब पहनने के बाद लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा, कम्फर्टेबल फील हो रहा है, इस समर्स के लिए काफ़ी बेस्ट है। प्रिंट्स अच्छे हैं, प्लस कलर भी बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। तो ये है जो नेक्स्ट नाइट सूट मैंने लिया है। अब जो नेक्स्ट मैंने लिया है वो भी आपको कुछ इस तरीके की जिप कवर में ही देखने को मिलेगा। एक तो ये सारे नाइट सूट जो ये वाले दो नाइट सूट हैं ये मुझे एक साथ ही मिले थे, और क्योंकि ये दोनों एक ही ब्रांड से मैंने पिक किए हैं, और इसमें जो मैंने कलर लिया है वो है येलो, क्योंकि येलो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कलर हो जाता है। जिन्हें बिल्कुल डार्क मतलब लाइट कलर लेना पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लाइट कलर जब डेली में पहनते हैं तो रेगुलर में वो जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो अगर आप डार्क में लेना चाहते हैं तो मैं आपके लिए डार्क वाला ऑप्शन भी लेके आई हूँ। इसमें भी बहुत ही अच्छा सा आपको प्रिंट देखने को मिलेगा, लुक एट दिस। लेकिन यार इसमें शायद मुझे ना अपना साइज नहीं मिला था, डबल एक्सल साइज में पिक किया है, क्योंकि इसमें मुझे साइज नहीं मिल रहा था, ना तो मुझे मीडियम मिल रहा था ना एल एक्सल, कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन इसका प्रिंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो मैं डबल एक्सल में आपके लिए लेके आई हूँ। पर अभी मे भी सारे साइज अवेलेबल, तो आप देख लेना। सेम वो व्हाइट वाला जो है उसी तरीके का फैब्रिक है, यहाँ पे आपको इस तरीके का प्रिंट देखने को मिल जाएगा। ये 3D प्रिंट इस पर किया हुआ है, मिक्की माउस बनाया हुआ है, एंड वॉश करने के बाद भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। शॉर्ट स्लीव्स है, एंड मस्टर्ड कलर में आपको ये वाला जो है टॉप देखने को मिलेगी। अब इसका जो कॉम्बिनेशन इन्होंने किया है ना मस्टर्ड के साथ ऑरेंज कलर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतने कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है यार। मतलब ये वाले ब्रांड के मैंने देखे थे, एक से बढ़ के एक कॉम्बिनेशन है। इसके साथ आपको इस तरीके का चैक्स में पजामा देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। लुक एट दिस, इस तरीके का इलास्टिक वाला पजामा है, पूरे पे आपको चैक्स वाला प्रिंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ना मिकी माउस वाला प्रिंट भी किया हुआ है, तो इस तरीके का फुल लेंथ में है, काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, सॉफ्ट फैब्रिक है। अब जो नेक्स्ट और लास्ट मैंने लिया है वो है कॉटन में नाइट सूट, क्योंकि आजकल ऐसे नाइट सूट भी काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं कॉटन फैब्रिक में, एंड मीशो पे काफ़ी अच्छे अच्छे कलर ऑप्शन वगैरह अवेलेबल हैं। ये आपको कुर्ता स्टाइल में देखने को मिलता है, तो इस तरीके का ये वाला नाइट सूट देखने को मिलेगा। जिन्हें सिंपल सोबर क्यूट प्रिंट वाले नहीं पसंद हैं, या फिर जो कॉटन में ही पहनते हैं, तो इस तरीके का ट्राई कर सकते हैं। जिन्हें वो बहुत लोग होते हैं जिन्हें टी शर्ट वगैरह वाले नाइट सूट अच्छे नहीं होते, तो ये कुर्ता स्टाइल में, इसमें आपको 3-4 स्लीव्स देखने को मिल जाएगी, पूरा प्रिंटेड है। कलर ऑप्शन आप देख लेना, मुझे ये ग्रीन कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पूरे पे फ्लोरल प्रिंट किया हुआ है, एंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन जब आप ये कॉटन नाइट सूट लो तो एक साइज बड़ा ही लेना, क्योंकि वॉश करने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो जाते हैं, तो एक साइज बड़ा ही परचेज करना। और इसमें भी मैंने जो साइज पिक किया है वो है एल, इसका जो प्योर फैब्रिक है वो प्योर कॉटन फैब्रिक है, जो कि पहनने के बाद काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। एंड बॉटम के लिए इसमें इस तरीके का पजामा देखने को मिल जाएगा सेम प्रिंट में। ये थे नाइट सूट के कुछ ऑप्शन जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, कौन सा नाइट सूट आपका फेवरेट है वो भी कमेंट करना, और नाइट सूट के हॉल
ओवरऑल देखना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस का पार्ट सेकंड लाने का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉच।